गुरुग्राम में अब सीएनजी पंप को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों की बढ़ती परेशानी और पंप पर लगी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब पंप को 24 घंटे खोला जाए जिससे भीड़ कम रहे। वहीं इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सीएनजी पंप संचालकों की बैठक भी एसडीएम ने बुलाई है। गुरुग्राम में सीएनजी पंप पर लगी लंबी कतारों को कम करने के लिए, लोगों को हो रही परेशानी को खत्म करने के लिए प्रशासन की तरफ अहम निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सीएनजी पंप संचालकों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि वो 30 जून तक अपनी समस्याओं को प्रबंधन कर्मियों को पूरा करें जिससे पंप 24 घंटे खुल सके। देखिए, कल रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई थी और ये संज्ञान में बात आई कि सीएनजी स्टेशन के बाहर बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो ये बात उठ के आई कि सीएनजी स्टेशन के जो पॉइंट्स हैं जहाँ गैस दी जाती है वो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वो कभी तो उनके 10 पॉइंट काम कर रहे होते हैं, कभी उनके 2 पॉइंट काम कर रहे होते हैं, कभी उनके 4 पॉइंट काम कर रहे होते हैं। तो उस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए पब्लिक को दिक्कत ना हो और इतनी लंबी लाइनें ना लगें, उन सीएनजी स्टेशन को 24/7 काम करना पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। हम उनको एक रीजनेबल टाइम दे रहे हैं, एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, उस एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे लेके आ जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनको मीटिंग के लिए बुलाया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, उनको मीटिंग के लिए बुलाया है। दरअसल गुरुग्राम में 21 सीएनजी पंप है और कुछ निर्माणधीन है। वहीं ये पंप रात को 12 बजे तक ही खुलते हैं, जिससे सुबह से शाम तक पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ती है।